हेलो जी, मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता। आज आपको बताऊंगा कि हमें शादी के बाद सेक्स कम करना है, कैसे करना है और क्यों करना होता है। शादी का मतलब है खुशी, विवाह का मतलब है खुशी। शादी के बाद हमें एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रिजर्व तौर पर मिल जाता है, लव करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, सेक्स करने के लिए। ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ये खाली 100% मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी है। दोनों को ध्यान से इसको सुनना चाहिए। शादी से पहले हमें अंदेशा होता है क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं। और हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार मामे फूफे वो हमें आधी अधूरी नॉलेज देते हैं। इससे हमें बचना है। इसके लिए, जानकारी के लिए, हमें अपने कंसर्न डॉक्टर वैद्य हकीम फोक्स को मिलकर एडवाइस ले लेनी चाहिए। या फिर ऐसी कंसर्न किताबें हैं मेरी बहुत लिखी, बाजार में सेक्स गाइड है, कामसूत्रा है, सेक्स गाइड है, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। और इसके बाद में भी आपकी कोई अप्रोच नहीं होती, आपको कुछ समझ नहीं आती, आप अशोक क्लिन या मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको एडवाइस दी जाएगी। शादी के बाद हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अब आप सुनिए। शादी के बाद हमें सबसे पहले दिमागी तौर पर तैयार होना होता है। सेक्स यहाँ नहीं बसता, सेक्स यहाँ बसता है। हमें दिमागी तौर पर तैयार होना है कि हमने एक दूसरे को प्यार करना है, उसके ऊपर हमला नहीं करना। हम प्यार से बातचीत करें, हंसे, एक दूसरे को टच करें, जैसे पुराने जमाने में प्रथा थी घूंघट उठाने की, इसलिए आदमी के लिए दूध लेके आती थी, ऐसी प्रथा थी। ये वाकफियत करने का, जान पहचान करने का एक तरीका था, अदरवाइज तो कोई लिंक बन ही नहीं पाता। इसलिए दूध देती है तो आदमी दूध पकड़ता है तो हेलो जी हाय जी होती है, ऐसे ही फिर आदमी घूंघट उठाता है तो भी उसको देखता है, नजरें मिलाता है। दिमागी तौर पर प्यार करने के लिए, लव करने के लिए, शादीशुदा जिंदगी को शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, क्योंकि सहलाते हैं। ये नहीं होता भी हम सीधा अटैक करें, हफर दफरी करें। हम प्यार मोहब्बत प्रेम नहीं करते, एक जबरदस्ती जबरजना रेप कर डालते हैं। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को समझे, पहले बातचीत करें, फिर एक दूसरे को टच करें, फिर आप एक दूसरे को हग करें, सहलाएं, जैसे चीक्स है, कंधे हैं, गला है, ये अंग है सहलाने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, तभी इसमें प्यार पैदा होता है। फिर धीरे धीरे आप अपने हाथों को, अपने पैरों को चलाते हैं तो प्राइवेट पार्ट तक जाते हैं, हिप्स तक जाते हैं, वहाँ तक ये लव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपने कमरे की लाइट हल्की कीजिए आप, ताकि थोड़ी आंखों की शर्म संकोच औरतों को होता है वो बना रहता है, आदमियों को भी होता है, पर औरतें इसमें ज़्यादा होती हैं जो संकोच करती हैं। 90% औरतें संकोच करती हैं और इसी में वो अपनी इज्जत समझती है, अपना मान सम्मान समझती है। इसलिए हमें इसकी मर्यादा का ख्याल रखना, दोनों का एक दूसरे का, और प्यार मोहब्बत से ही लव करना चाहिए। लव लंच में अपने प्राइवेट पार्ट्स को, स्त्री भी पुरुष भी, साफ सुथरा रखें और सूखा रखें। इस बात का ख्याल रखें, अगर वहाँ सफाई नहीं है या सूखापन नहीं है तो नेचुरली स्किन प्रॉब्लम हमें आती है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। इसके अलावा भी जब हम लव करते हैं तो हमें अगर संतान नहीं चाहिए या हमें कोई सिफिलिस, गोनोरिया, एक दूसरे के बारे में पता नहीं, हमें कोई ऐसा यौन रोग ना हो जाए, उसके लिए हमें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम में संतान पैदा होने से भी बचाता है और एक दूसरे से बीमारी को ट्रांसफर होने से भी बचाता है। और दूसरा है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इस बात का ख्याल रखें, कंडोम यूज़ करना भी 100% जरूरी नहीं है। अगर इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि पीरियड्स औरत को मासिक धर्म कब आया है, क्योंकि संतान प्राप्ति से बचने के लिए ये जरूरी है भी मासिक धर्म स्टार्ट होने पर 10-11 दिन बिल्कुल सेफ होते हैं, वहाँ आप बिना कंडोम के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 8-10 दिन रिस्की होते हैं, उनमें बच्चा हो सकता है। फिर जब मासिक आना है उससे 8 दिन पहले भी आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि संतान ना हो। इन्फेक्शन से तो बचाते ही बचाता है वो, इस बात का ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है। पहले हम बातचीत में, वाकफियत में, हनीमून नाइट को एक दूसरे जान ले, पीरियड कब आए थे, अब कब आने हैं, क्योंकि पहले 10 दिनों में मासिक स्टार्ट होने पर, पहले 10 दिनों में और फिर बीच के 8 दिनों में सेफ है, और अगले 10 दिन फिर बिल्कुल सेफ है। इन बात का आप ख्याल रखिए। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताने वाला नहीं, ना मामी फूफी बताए,
ना चाचा चाची बताएंगे, क्योंकि शर्म का गहना उन्होंने भी पहन रखा है। इसलिए इन बातों का आप ख्याल रखिए, एक दूसरे को सहलाते जाइए तो हदें पार करते जाइए, लेकिन एक दूसरे को तकलीफ ना दें। जैसे आप संबंध बनाते हैं, आदमी को रिक्शन आता है, उसका प्राइवेट पार्ट अकड़ जाता है, तो निचली उसको धक्का पहले से ही उसको पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उस जगह की जगह बनानी चाहिए। उसके लिए आप कोई क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पार्ट के अंदर तक ना लगाएं। अंदर गीलापन होता है और आदमी के भी अंदर थोड़ा बहुत गीलापन होता है, तो उस तरीके से उसको करना चाहिए और धीरे धीरे आराम से करना चाहिए, जैसे एक दूसरे की परमिशन हो और एक दूसरे की इजाजत हो, वो एक दूसरे को एडमिट करें भी हाँ ठीक है जी ओके है उस तरीके से। ये नहीं भी सामने वाला कर रहा है, दूसरे वाला रो रहा है, वो कोई लव लाइफ नहीं, वो विवाहित जीवन सुखी नहीं होता, क्योंकि पहली रात में जो बातें होती हैं वो आखिर तक याद रहती हैं। इनको बनाए रखने के लिए ऐसे ही करना चाहिए। सामने वाला फीमेल पार्टनर तकलीफ मान रहा है, उसको ब्लीडिंग हो गई, उसको तकलीफ है, जलन हो गई, तो आपको अलग हो जाना चाहिए, फिर रेस्ट लेनी चाहिए उस बात के लिए, उस बात को नेक्स्ट डे पे टाल देना चाहिए। हमदर्दी, प्रेम, विश्वास, भरोसा इसमें बनाए रखना चाहिए, तभी आपकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब होती है और जिंदगी भर एक दूसरे को याद रहती है कि एक दूसरे के आप कितने हमदर्द हैं, कितने आप हम इमोशनल हैं, इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा भी आपको कोई क्वारी है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई बीमारी है, बातचीत है, आपने एडवाइस लेनी, जब मर्जी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092140। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा में डेली खुलता है, चांदनी चौक वाली ब्रांच डेली बंद कर दी गई है और संडे की छुट्टी रहती है। आप जब भी आए टाइम लेकर आए, फ़ोन कर आए। वैसे क्लिनिक जल्दी 10 बजे से 6 बजे तक खुलता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।